हर युग का एक मसीहा होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है, उन्हें जीने की नई राह दिखाता है, उनके दामन में खुशियां बिखेर देता है। ये कहानी एक ऐसे मसीहा की। अरे नहीं है यार, क्या बेगम, पुलिस वाले की बीवी होकर ये चोरी चिकारी की फिल्में देखना अच्छा लगता है क्या? हाँ, अच्छा लगता है। बेगम जरा सोचो, ऐसी हालात में इस तरह की फिल्में देखोगी तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उस पर कैसा असर पड़ेगा? अरे पैदाशी चोर बनेगा, चोर। जिस तरह महाभारत में अभिमन्यु अपनी माँ की कोख से सब सीख कर आया था, दस अब। अरे चुप कर बेवड़े, मेरा बेटा चोर नहीं, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लोग उसकी एक नजर देखने के लिए तरसेंगे और देखते ही पुलिस को खबर करेंगे। अरे चुप कर, मुझे और मेरे बेटे को पिक्चर देखने दे। मुबारक हो, बेटा हुआ है। शुक्र है। और मेरी बीवी? बीवी और बेटा दोनों सलामत है। बस अभी थोड़ी ही देर में मेरी घड़ी। अरे मेरी चेन। वेल डन ऑफिसर्स, जुर्म के इतिहास की सबसे बड़ी एंटीक स्मगलिंग को हमने कल रात को पकड़ा है। हमारे देश के हजारों साल पुराने प्राइसलेस हीरे, मोती, जवाहरात, पेंटिंग्स, स्टैचूज, कुल मिलाकर 10,000 किलो का नेशनल ट्रेजर विदेशी मुल्क को बेचे जाने से हमने रोका है। अंदाजा लगाया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है। इंटरपोल को शक है कि ये सारा माल एंटीक स्मगलर्स जौहरी ब्रदर्स का है। ये चिपके हुए जुड़वा भाई उन लोगों में से नहीं जो अपने माल को आसानी से जाने दें।
ये इसे वापस हासिल करने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए हमारा काम यही खत्म नहीं होता। हमारा अगला मिशन होगा इस माल को सुरक्षित दिल्ली के सरकारी खजाने तक पहुंचाना, और इस मिशन का नाम होगा भारत भूषण। शट अप जगताप। और इस मिशन का नाम होगा भारत का खजाना। इस मिशन में हमें इस खजाने को एक स्पेशल हाई सिक्योरिटी ट्रेन में दिल्ली तक पहुंचाना है। याद रहे, ये ट्रेन सीधा दिल्ली पहुंचेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। इसीलिए जौहरी ब्रदर्स को अपने एंटिक्स हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, चलती हुई ट्रेन से इसे चुरा लेना। कुछ भी बोलता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जौहरी ब्रदर्स अपना कोई भी गैर कानूनी काम खुद नहीं करते। हर बार की तरह इस बार भी वो किसी की मदद जरूर लेंगे, लेकिन वो कौन है जो इतना बहादुर और शातिर हो जो हमारे नाक के नीचे ये काम दिन दहाड़े कर सके? दिन दहाड़े? वो तो ये काम रात के अंधेरे में भी कर सकता है, और नाक के नीचे क्यों, पीठ पीछे भी कर सकता है, है ना? है ना? जगताप, शट अप। हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये काम सिर्फ 3 लोग कर सकते हैं। पहला उम्मीदवार है हैदराबाद से इस्माइल शेख उर्फ इस्माइल कोयला। इस्माइल कोयले से ज्यादा काला है या कोयला इस्माइल से ज्यादा काला, ये कह पाना जरा मुश्किल है। इस्माइल के पास 2 हथियार हैं, एक रात का अंधेरा और दूसरा इस्माइल का स्माइल। इस्माइल कोयला, यू आर अंडर अरेस्ट। इस्माइल रात के अंधेरे में किसी साये की तरह कहीं खो जाता है। लगता है फिर भाग गया। ओह, इसलिए आज तक हम इस्माइल कोयला को पकड़ नहीं पाए, है ना सर? है ना? इस्माइल ने कुछ साल पहले सालारजंग म्यूजियम में चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार बदकिस्मती से उसका केस मुझे मिला था। सर, उसकी बदकिस्मती या आपकी? चकता, चुप बैठो और आगे सुनो। इस्माइल कोयला, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन इस्माइल के ये सारे हथखंडे अब पुराने हो चुके थे। इस्माइल, ये चोरी चकारी छोड़कर शराफत की जिंदगी क्यों नहीं बसर करते? मेरे पास तुम्हारे लिए एक माइंड ब्लोइंग जॉब ऑफर है। घंटे का 1,00,000 रुपया मिलेगा। राजधानी एक्सप्रेस की हेडलाइट खराब हो गई है और तुम्हें आगे दांत दिखा के भागना है। वो रहा, पकड़ो पकड़ो। इस्माइल प्लीज। दूसरा उम्मीदवार है मास्टर इंडिया। यू मीन मिस्टर इंडिया? आई मीन मास्टर इंडिया। ओह सॉरी। मिस्टर इंडिया तो बहुत नेक इंसान थे, मास्टर इंडिया उनकी बिगड़ी हुई औलाद है जो अपने महान बाप के महान पावर्स का नाजायज फायदा उठा रहा है। जहां इस्माइल कोयला रात के सन्नाटे में सबसे चुपके चोरी करता था, वहां मास्टर इंडिया दिन दहाड़े सबके सामने चोरी करता था। अरे कोई रोको इसे, अरे उसने हार ले लिया, गायब हो गया वो। उस दिन से अगले कुछ वक्त तक मैं हर पार्टी फंक्शन और शादियों के चक्कर काटता रहा मास्टर इंडिया की तलाश में, और फिर एक दिन सॉरी उससे हाथ मिलाने के बहाने मैंने उसका ब्रेसलेट बदल लिया। इंडिया को लगा कि वो गायब हो चुका है और अपने जश्न का नंगा नाच नाचने लगा। उसे नहीं पता था कि अब सब लोग उसे देख सकते हैं। मास्टर इंडिया, कमिश्नर, खुश हुआ।
और अब बचता है हमारा तीसरा और अब तक आजाद उम्मीदवार, मुंबई से तबरेज मिर्जा खान उर्फ 30 मार खान। इसके फैंस इसे आधा रॉबिन हुड भी कहते हैं। आधा रॉबिन हुड क्यों सर? क्योंकि अमीरों से लेता तो है पर गरीबों को देता नहीं। इंडिया का सबसे तेज क्रिमिनल मास्टरमाइंड 30 मार खान। सर हेलो जेंटलमैन, खुशखबरी है, मिस्टर इंडिया पार्ट टू शुरू हो रहा है। तेरी अभी अभी खबर मिली है कि 30 मार खान पेरिस में गिरफ्तार हो चुका है। अपने अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए बदकिस्मती से उनमें से एक फैन इंटरपोल का खुफिया एजेंट था। जेंटलमैन एज वी स्पीक 30 मार खान इंडिया लाया जा रहा है। CBI officer chatting. Hello. CBI officer Mukherjee. Here's your man. We'll take it from here. Okay. Yeah. Khane beta khane. Aaj jitna khana kha le, kal se to jail ka khana khayega. Kyun dada? कि लुटती इज्जत को बचाना और 30 मार खा को कैद करना दोनों बेकार है। कल का खाना मैं जेल में नहीं, नहीं घर में, हाँ। अपनी माँ के हाथ से खाऊंगा। यार एक बात समझ में नहीं आई, बॉस तो पेरिस में अरेस्ट हो गए, फिर हमको गाड़ी लेकर आने के लिए क्यों बोला यार? ये मुंबई पुलिस वाली गाड़ी नहीं बेच सकते क्या? यू ब्लडी बर्गर, बॉस ने पुलिस को चकमा देने का प्लान किया इसलिए हम लोग यहाँ गाड़ी लेकर खड़े हैं। आइला वो देख, कोई तो भी सॉलिड हीरो तेरे लिए यार। ए दिखा पता। बाय बाय। अरे ये लो, ये तो अपना बॉस ही है, देख। बॉस है? थैंक यू। बॉस पुलिस, पुलिस बॉस। लव यू पुलिस। वाह। खानों में खान। Bye bye, bye bye. Hey boys! Boss! 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 Burger, dollar, soda. कैसे हो मेरे बच्चों? सही है boss. Boss गाड़ी. गाड़ी हमारी वो नहीं. ये. Let's cruise, boys. ये चक्कर क्या है? बोलो ना बॉस, ये गोल्डन सूट, पप्पी लेरी चेन एंड ऑल, ये रॉक सॉलिड गाड़ी और ये पप्पिया। बॉस बॉस बताओ ना बॉस, पुलिस को चकमा कैसे दिया था बॉस? कि लुटती इज्जत को बचाना और 30 मार खा को कैद करना दोनों बेकार है। दोनों इसको छोड़ो बॉस, आप बताओ ना बॉस। बॉस ये उन दिनों की बात है। ए तू आगे देख। Keep your voice down, you bitch. You know who I am? But ma'am, flight में कुत्ता allowed नहीं है। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैनी को कुत्ता बुलाने की? I'll shut your damn airline. Sorry madam, sorry, इसे पता नहीं आप कौन है। आप please बैठ जाइए, please बैठ जाइए, please settle down everybody.
तुम यहाँ आओ? पागल हो गई हो तुम? इसके पिता पंकज शुक्ला है, एविएशन मिनिस्टर। I'm sorry. जाओ जाके सॉरी बोलो, जाओ जाओ। बाद में। ओके ओके ठीक है दादा। माना कि तू 30 मार खा है, लेकिन ये प्लेन का टॉयलेट है, हाई कोर्ट का टॉयलेट नहीं है, जहाँ से तू कूद कर भाग जाएगा पिछली बार की तरह, समझे? क्यों दादा? अगर सड़े चुटकुले खत्म हो जाए तो मैं जाऊँ। चल चल चल, धक्का मत दीजिए, यही निकल सकता नहीं तो। Oh, they tied me up. Can you remove my rumal? Itna bada chamri hai sala, idhar bhi chalo kya? Not so low, not so low. Thank you. You're welcome. Chalo. Kahan? Plane ke bahar? Haan, plane ka bahar. Baithe chupchap. मैं कुत्ते को धोऊं जाके? मैं धोता हूँ। अरे मैं धोता हूँ ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये रियली सॉरी मैडम, प्लीज जाने दीजिए ना। ऐसे कैसे जाने दूँ? I will cancel your license. Stop the plane. अभी लैंड करो। अभी कैसे लैंड कर सकते हैं मैडम? क्यों? प्लेन में ब्रेक नहीं है क्या? ब्रेक मारो और लैंड करो। कैप्टन भल्ला, प्लीज आप ही समझाइए इसे। Hey you, तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रेक मारने जा रहा हूँ। देखिए मैडम, बात समझने की कोशिश कीजिए। कैप्टन एंड्रू, हेलो, तुम यहाँ? I was on toilet. Then who flew the plane? I put the plane on autopilot. Big problem. One, two, three. हम तीनों कैप्टन बाहर है तो प्लेन कौन चला रहा? ये इडियट कैप्टन एंड्रू ने प्लेन को ऑटोपायलट में डाला होगा। अब तीनों कैप्टन बाहर हैं और दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। मर गए, we are finished. अब चले गए, we are finished. अरे साइलेंस साइलेंस, झगड़ा मत कीजिए, दरवाजा खोलने की कोशिश करिए। यस यस, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। प्लीज अरे ऊपर मत, प्लीज। अरे ओए कोटे, शर्म नहीं आती तानू? सब उसे दरवाजा खोलने लगे ने, तुसी दोनों इधर बैठे हो। हाय रब्बा, बेड़िया। अरे बेड़िया नहीं आंटी जी, हाथ कड़ियां। खोल दे क्यों नहीं? अरे खोलते क्यों नहीं मानेगी? इसका हाथ कड़ी खोल दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लीज गो एंड माइंड योर ओन बार। हाय बेचारा। अरे कोई बेचारा बेचारा नहीं है, आप इस आदमी को नहीं जानती हैं। कोई ऐसी तिजोरी नहीं है, कोई ऐसा ताला नहीं है जो ये आदमी नहीं खोल सकता। ही कैन ओपन एवरी ब्लडी लॉक। ओह माय गॉड, ए दादा फंसा दिया ना। ओए खोल, ओ किली लॉक, दरवाजे का लॉक। ओ भाई साहब बोलो ना प्लीज। नहीं। क्यों बेटा, तुम जीना नहीं चाहते? तुम लोग तो जिंदा बच के अपने आलीशान बंगलों में चले जाओ, अपने अपनी बीवी के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपनी रखेल के साथ। लेकिन मैं तो 9 साल के लिए चला जाऊंगा ना चक्की पीसने के लिए। अरे ये जीना भी को जीना है लल्लू। तो फिर अंकल आप क्या चाहते हो? आजादी इन दोनों से। दादा, अरे क्या कर रहे हो? पुलिस है, अरे हम पुलिस है, पुलिस है। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो? अरे हम दोनों पुलिस वाला है। अरे तुम सब जेल जाओगे। अरे ऊपर जाने से तो जेल जाना बेहतर है। चलो चलो चलो। मैंने कहा था ना, कल का खाना जेल में नहीं बल्कि अपने घर में अपनी माँ के हाथ से खाऊंगा। फिलहाल तुम
ये मुंह दिखाओ। घर ले मुझे आने और माँ से मिलना। अरे बॉस घर नहीं जा सकते हम लोग। क्यों? अरे एक घंटे में तो शहर की सारी पुलिस आपको ढूंढते हुए घर आ जाएगी। वैसे भी एक घंटे से ज्यादा मैं उन दोनों को नहीं झेल सकता। लेकिन बॉस आनिया घर पर नहीं है। कहाँ पे वो? महबूब स्टूडियो में आइटम नंबर शूट कर रही है। उसकी एक्टिंग का भूत। पिक्चर का नाम क्या है? शीला की। शीला की क्या? जवानी। ये गंदा सा नाम। चलो महबूब। बॉस आप मुझे महबूब क्यों कह रहे हो? अबे महबूब स्टूडियो चल, शीला की सारी जवानी उतारता हूँ चल। I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी ना आने, माने ना माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क की है दीवानी।
जेबे खाली फटी चल नो आई डोंट लाइक हिम लाइक दैट चल यहां से निकल तुझे सब ला दूंगा कदमों में तेरे लाके जग रख दूंगा ख्वाब में कर दूंगा पूरे न रहेंगे अधूरे यू नो आई एम गोना लव यू लाइक दैट व्हाटएवर हाय रे ऐसे तरसे हमको हो गए सोहर से रे सूखे दिल पे मेघा बनके तेरी नजरिया बरसे रे आई नो यू वांट इट बट यू नेवर गोना गेट इट यू नेवर गोना गेट माय बॉडी I know you want it, but you're never gonna get it. तेरे हाथ कभी नानी माने ना माने चाहे दुनिया ये सारी तेरी इश्क की मैं दीवानी अब दिल करता है हाल हाल से मैं तो खुद को गले लगाऊं किसी और की मुझको जरूरत क्या मैं तो खुद से ही प्यार जताऊं What's my name? What's my name? What's my name? My name is Sheila. Sheila ki Japani. I'm too sexy for you. अन्ना बेटो मेरी बात सुनो आज वो प्रोड्यूसर मुझे साइन करने वाला था साइन तो करता पर कॉन्ट्रैक्ट कहाँ था उस ठगी प्रोड्यूसर के होटल के कमरे में फॉर योर इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट तो उसकी जेब में ही था सिर्फ पेन होटल के कमरे में था आन्या एक्टिंग वैक्टिंग सब बेकार की चीजें एक्टिंग एक 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 च्युइंगम की तरह है शुरू शुरू में बड़ा मजा आता है खाने में लेकिन बाद में थूकने में तकलीफ होती है क्योंकि तुम इतनी देर से चबा रही हो इसलिए इमोशनली अटैच हो गई हो छोड़ दो एक्टिंग वैक्टिंग डालिंग कम से कम मैं एक ईमानदार इज्जतदार जिंदगी तो जीने की कोशिश कर रही हूँ एक आइटम गर्ल बनना एक चोर बनने से तो लाख अच्छा है ज़िप मैं चोर नहीं हूं मैं एक कॉन आर्टिस्ट हूं एक क्राइम कलाकार और दूसरी बात मां सुन लेगी धीरे बोलो सुनने नहीं दो आज माँ को भी पता चलने दो कि उसका बेटा उसका लकते जिगर जिसे वो बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर समझती हैं वो कोई और नहीं वांटेड क्रिमिनल 30 मार खा रहे हैं वांटेड मुजरिम 30 मार खा कहाँ है कहाँ है कहाँ देखा 30 मार खा मुजरिम नहीं माँ 30 मार खा मेरी अगली फिल्म का टाइटल है अगली कैसा लगा तुझे गुंडी अरे बहुत अच्छा लगा तेरी पिछली वाली फिल्म से भी ज्यादा अच्छा कौन सी फिल्म अरे वही ओम शांति ओम याददाश्त तेज है दबा के बादाम खा रही है तू बैठ जा आन्या यहाँ बेटे आ जा तू बहुत दिनों के बाद आया है ना तो तुम दोनों के लिए मैंने अपने हाथों से सीख कबाब बनाया है तुम दोनों बैठ कर खाओ हाँ तब तक ना मैं बिरयानी बना कर आती हूँ अच्छा अच्छा इतना चिल्लाती हो तो हाँ तुम और तुम्हारे टॉन्सिल्स माँ को पता चल जाता तो चल जाता ओ, तो क्या हा? माँ का दिल टूट जाता ना और तुम्हारी हड्डियाँ कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारी माँ ये भी नहीं जानती कि तुम एक डायरेक्टर नहीं वांटेड क्रिमिनल 30 मार खा हूँ इसमें कौन सी नई बात है कमीनी स्पाइडरमैन की माँ भी नहीं जानती कि उसका बेटा स्पाइडरमैन है तो कम से कम मैं दुनिया से तो ये कह सकती हूँ कि मैं हूँ हुस्न की मालिका आन्या खान है तुम्हें इतनी हिम्मत कि दुनिया से अपनी असलियत बता सको हाँ कि तुम तिस्मार खान हो डरपोक मैं डरपोक हाँ डरपोक अभी बताता हूँ कि मैं डरपोक हूँ या बहादुर ठहर हाँ मैं हूँ तिस्मार खान मैं हूँ तिस्मार खान बॉस पुलिस मैं नहीं हूँ तिस्मार खान अल्लाह की कसम मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ कसम से बाहर पुलिस आई है
पुलिस को संभालो, मां को भी। लेकिन तबीज मैं कैसे? एक्ट्रेस बनने का शौक है ना, जाओ एक्टिंग करो जाओ। अरे कौन है, कौन मर गया है, कौन इतनी घंटी बजा रहा है? मम्मी वो दो एक्टर्स आने वाले थे ना स्क्रीन टेस्ट के लिए। एक्टर्स? वो ही 30 मार खान के लिए ना, पुलिस के रोल के लिए बुलाया था। अरे हाँ हाँ, लेकिन तबरेज कहाँ है? कहाँ है वो? वो छुप गया है। छुप गया? क्यों? इन्हें उससे ढूंढने की एक्टिंग करनी है, यही तो टेस्ट है। ओह, तो एक काम करते हैं, इनका टेस्ट ना मैं लेती हूँ, आखिर मैं डायरेक्टर की माँ जो हूँ। तू एक काम कर, वहाँ जाकर बैठ जा। हाँ पुलिस, तीस मार कहाँ यहाँ है? अरे गधो, तुम लोग पुलिस वाले हो कि चंदा मांगने वाले हो? तुम लोग मुझे पूछोगे कि तीस मार कहाँ है और मैं तुमको बता दूंगी। हाँ चलो फिर से पूछो, फिर से, और इस बार सख्ती से पूछो। हाँ चलो चलो फिर से पूछो। पुलिस यहाँ है तीस मार कहाँ? ये हुई ना बात। अब ना तू ना मुझे धक्का मार और अंदर जा। अरे मार धक्का और घर में घुस। चल तू भी मार धक्का। अरे मार ना। कहाँ से आ जाते हैं एक्टिंग करने के लिए? मम्मी क्या हुआ? हाय अल्लाह, अरे मुए रोल में तो घुस गया, लेकिन ये जो रायता फैला कर रखा है उसे साफ कौन करेगा? तेरा बाप। चल 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 अंदर रख, सब अंदर रख। नहीं नहीं नहीं, ये क्यों करेगा बताइए? सिर्फ ये अकेला नहीं रखेगा, तू भी रखेगा, समझे? मैं भी करेगा ना। रखता है क्या? रखू इस कान के नीचे। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो। तीस मार खा। बॉस। ए हरामी। हरामी से याद आया, आपके लिए जॉरी ब्रदर्स का फोन था। जॉरी ब्रदर्स? वो इंटरनेशनल एंटिक स्मगलर। अरे बॉस से उसको क्या काम? दो मिनट में पता चल जाएगा तुम लोगों को भी और मुझे भी। फोन। अरे गुड। ए सेम फोन मेरी माँ के पास भी है। मेरी माँ की तस्वीर। हराम खोर मेरी माँ का फोन चोरी कर लिया। आई लाइक रॉबर्ट, आई लाइक रॉबर्ट, आई लाइक रॉबर्ट। हेलो, कबूतर पिंजरे से उड़ान भर चुका है, वो दाना चुगने के लिए तैयार है, दाना कब और कहां से उठाना है तुम बताओगे? स्पीकर फोन पे डाल रहा हूँ। कल रात डांडिया। ओके आज बड़े हाथ करो उड़ी उड़ी रात छे है चोरी ने रात छे तेरी तरह साथ छे आज बड़े हाथ करो उड़ी उड़ी रात छे हो रहा हम सो का जोड़ा बॉस आपका डंडा थैंक यू डांडिया हरामी साला आओ तीस मार खान तुम तो जानते होगे कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया दशहरे के शुभ अवसर पर डांडिया खेलने के लिए बुलाया बैठ जोक हसें अगर तुम अपने 500 करोड़ के एंटीक्स पुलिस के हिरासत से निकालना चाहते हो तो तुम लोगों को मेरे हर सड़े हुए जोक पे हंसना होगा तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है जानता हूँ वो है खानों में खान यानी कि तुम ये काम करोगे पूछ रहे हो या बता रहे हो पूछ रहे हैं ठीक है तो फिर कर दूंगा अब डील की बात माल का 50% मेरा हरामियों ये जोक नहीं है ब्लैकमेल माल तो हमारा है तुम्हें तो बस निकालना है 10,000 किलो का माल वो भी चलती हुई गाड़ी से निकालना और वो भी पुलिस के हिरासत से क्या बचोगा मैं लेकिन ये काम अगर मैंने नहीं किया तो तुम अपने माल से हाथ धो बैठोगे लेडीज एंड जेंटलमैन उधर 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 एक चल रहा प्लीज वेलकम अपना सुपरस्टार चीफ का राजेश कपूर जी पंखे
डॉलर क्लब बेस्ट डांडिया कपल की ट्रॉफी जाती है माय फ्रेंड्स ओवर देयर। 50% बोल रहा है, उससे कम नहीं लूंगा बिल्कुल। अभी भी वक्त है, जल्दी बताओ। 50% पुलिस आ रही है, जल्दी बताओ। एटीएम खोलो, मेरे हिस्से से निकाल लेना। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम कैसे करूं। हाँ, अब तक का सबसे मुश्किल काम है ये। अरे इसमें मुश्किल क्या है बॉस? देखो ये मसाला ना, इसको चिकन के अंदर डालने का और ये चिकन को दही के अंदर। ए, तेरे को इतना भी नहीं मालूम क्या? खाना बनाते टाइम बॉस का भेजा ओवर टाइम काम करता है मालूम? सॉरी बॉस। 10,000 किलो के एंटीक्स चलती ट्रेन से निकालना और उस ट्रेन में कम से कम 20 से 30 पुलिस वाले होंगे। बॉस भले ही पुलिस वालों को हम चकमा दे दे, लेकिन 10,000 किलो का माल हम 4 लोग उठाएंगे कैसे? पूरा महीना निकल जाएगा यार। ऊपर से 3-4 बार तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा टूटेली पीठ का इलाज कराने को। बॉस और लोगों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, आराम से 200-300 आदमी लगेंगे। पर इतने पंटर लाएंगे कहाँ से बॉस? अबे इतने पंटर तो हम लोग जमा कर लेंगे, लेकिन 200 से 300 लोगों को अपना प्लान बताना खतरे से खाली नहीं है बॉस। करेक्ट। उनमें से अगर एक आदमी पुलिस का खबरी निकला तो अपने तो 12 बज गए ना बॉस। क्या हुआ? मेरे को लगता है ना कि ये काम नामुमकिन है। मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन नाम की कोई चीज नहीं है, तेरे को मालूम है। चल निकल यहां से, निकल। बॉस मेरी डिक्शनरी में है, बुलाऊं? हाँ लेके आ, जा लेके अपनी डिक्शनरी। क्या हुआ? बॉस बाहर रहा हूँ बॉस। क्या रे, क्यों चिल्ला रहा तू? तू चिल्ला रहा है? चिल्ला रहा बॉस। वो देखिए कलवला एक्टर आतिश कपूर। अब आपकी नजर कौन से अवार्ड पे है? ऑस्कर। ऑस्कर? जी हाँ, डम डॉग मिलियनेयर को पहले मुझे ही ऑफर किया गया था, लेकिन मेरे सेक्रेटरी बंटी की बेवकूफी की वजह से वो रोल मेरे हाथ से निकल गया था। लेकिन मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगले साल ऑस्कर आतिश कपूर ही जीत के भारत लेके आएगा। मुझे एक ऑस्कर विनिंग पिक्चर करनी है। आई वॉन्ट एन ऑस्कर। ऑस्कर बस्कर। आई वॉन्ट एन ऑस्कर। आई वॉन्ट एन ऑस्कर। आई वॉन्ट एन ऑस्कर। बॉस, इसी सिक्योरिटी वाले ने कल रात मुझे धक्का दिया था। इतना मार खाने के बाद भी पब्लिक इनकी दीवानी है। अरे पब्लिक पूजा करती है इनकी। और पुलिस फालतू में इन्हें सिक्योरिटी देती है। और ना बॉस, एक मिनट वापस बोल। बॉस इसी सिक्योरिटी वाले ने कल रात। तू नहीं, तू बोल। अरे पब्लिक पूजा करती है इनकी, पुलिस सिक्योरिटी देती है। पब्लिक इनकी पूजा करती है, पुलिस इन्हें सिक्योरिटी देती है। पब्लिक इनकी पूजा करती है और पुलिस इन्हें सिक्योरिटी देती है। अरे मिल गया। मिल गया क्या? मिल गया तुम्हारे माल निकालने का प्लान। वेरी गुड, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। क्या है प्लान? तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम्हारा काम हो जाए। काम तो हो जाएगा, लेकिन किसका? हमारा क्या तुम्हारा? मेरी ईमानदारी पे शक है, मुझ पे भरोसा नहीं तुम्हें? तुम ही बताओ, क्या तुम्हारी ईमानदारी पे भरोसा किया जा सकता है? चांद से धूप की उम्मीद करना और इस्मार खान से ईमानदारी की, दोनों बेकार है। हम जानते हैं कि तुम बेईमान हो लेकिन धोखेबाज नहीं। चलो प्लान बताओ। गौर से सुनो, ट्रेन के दिल्ली जाने वाले रास्ते पर किसी एक गांव में मैं एक फिल्म की शूटिंग करूंगा, और वो भी हिंदुस्तान के जाने माने सुपरस्टार आतिश कपूर के साथ। गुड जोक। ये जोक नहीं, ये मेरा प्लान है। चलो पीते हैं बुरखे में। अबे चाय पीते हैं बुरखे में। तुम्हारा माल जिस ट्रेन में आएगा वो ट्रेन इस फिल्म की कहानी का हिस्सा होगी। आतिश कपूर और 300 भोले भाले गांव वाले क्रांतिकारी की भूमिका निभाएंगे। अपनी ट्रेन को वो लोग अंग्रेजों की ट्रेन समझकर वो अपनी जान पर खेलकर पहले उस ट्रेन को रोकेंगे, फिर सारे गांव वाले उस ट्रेन पर चढ़कर पुलिस वालों पर कब्जा करेंगे, उसे मारेंगे पीटेंगे और फिर
सारा माल निकाल कर आप लोगों की गाड़ी में भर देंगे। क्योंकि इस फिल्म में एक बहुत ही मशहूर स्टार आतिश कपूर है, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई गैर कानूनी काम हो रहा है। इनफैक्ट ये सारा काम पुलिस की निगरानी में हो रहा है, यानी कि फुल पुलिस प्रोटेक्शन। वाह वाह, तुम तो बोल बे ओ खानों में खान, तीस मार खान। डायरेक्टर कौन है? 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 अबे मैं हूँ डायरेक्टर यार। क्या बात है, तो प्रोड्यूसर हम हैं, डायरेक्टर पे नजर रखेंगे। लेकिन मैं खान साहब थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, सेट पे मिलते हैं। बॉस कंट्रोल, माल ये लोग ही देंगे हमें। साले टकले कहीं के। बॉस प्लान तो हो गया, अब क्या करें? अब ईद की सेलिब्रेशन करते हैं। बॉस लेकिन ईद तो 3 महीने पहले हो गई। 30 मार खा के लिए हर चांद ईद का चांद होता है। तो बॉस बॉस सलमान भाई को बुलाओ ना। ए हरामी से, ए कनेक्शन लगा रे। लगा 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 लगा। हेलो सलू, हाँ 30 मार खा बोलो, क्या हाल है? अरे आओ ना, बच्चों की मन्नत है, ईद सेलिब्रेट करते हैं। अपने आने के घर के नीचे। अरे पहचानते हो बल्ला, पहचानते हो आने को। ओके ओके ओके, चलो। सर्द चिलमन के पीछे शमा महफूज रहती है, जल जाए परवाना, जल के राख हो जाए तो ही उसे महबूब कहती है। बल्ला रे बल्ला, बल्ला बल्ला रे बल्ला बल्ला, नूर हुस्न का दीदार हुआ। बल्ला रे बल्ला, बल्ला बल्ला रे बल्ला, ईद का चांद यार मेरा बार बार हुआ। बल्ला रे बल्ला, बल्ला बल्ला रे बल्ला बल्ला, ईद के नाम पे हम चांद दे गए, इश्क के नाम में बदनाम हो गए। जब कुछ और ना नीलाम हो सका तो मुफ्त में ही हम जान दे गए। बल्ला रे बल्ला, बल्ला बल्ला रे बल्ला बल्ला, दिल अजीज में इस मुरीद का इतना सा फर्ज है, आदाब अर्ज 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 है। बल्ला रे बल्ला, बल्ला बल्ला रे बल्ला बल्ला, नूर हुस्न का दीदार हुआ। बल्ला रे बल्ला, बल्ला बल्ला रे बल्ला बल्ला। यार की याद में बेनूर हो गए, उससे खफा खुदा से दूर हो गए। जब नाम उसका महफिल में उठा, यार के साथ हम मशहूर हो गए। बल्ला रे बल्ला, बल्ला बल्ला रे बल्ला बल्ला, मैं तो यार पे कुर्बान हुआ। बल्ला रे बल्ला, बल्ला बल्ला रे बल्ला, मुझ तो बाद यार दिल जानदार हुआ। बल्ला रे बल्ला, बल्ला बल्ला रे बल्ला बल्ला, दिल अजीज पे इस मुरीद का इतना सा फर्ज है, आदाब अर्ज 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 है। से तू कुर्बान
काट दे बाघ की तलवार में, बाघ की तलवार में, बाघ की तलवार में। बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला बल्ला नूर हुस्न का दीदार हुआ। बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला ईद का चांद यार मेरा बार बार हुआ। बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला बल्ला दिल अजीज पे इस उलीद का इतना सा फर्ज है। आदाब अर्ज है, 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 आदाब अर्ज है। बल्ला रे बल्ला 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 रे बल्ला बल्ला। चलो चलो जल्दी करो, डांसर्स को बुलाओ, चलो चलो। बॉस बॉस बॉस, हम इन कपड़ों में क्या कर रहे हैं? मेरे प्लान के मुताबिक जो हमें सामान चाहिए वो हमें इसी सेट से चुराना है। बॉस चंकी पांडे, चंकी पांडे बॉस, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। सॉरी, गलती सबसे होती है। हाँ सर, ऐसे ऐसे और ऐसे। डांसर्स आप लोगों को गुलाल उड़ाना है, ओके? ए, मेरे ऊपर मत फेंकना, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। चलो। अरे वहाँ बुलाया है। अबे हम लोग डांसर नहीं, चोर हैं। रोल साउंड कैमरा एक्शन। चोली में होली टेक वन, वन टू थ्री फोर। अरे चोली में होली है, होली में चोली है, कोई जो चोली गीली आज अपनी होली है। शूटिंग रोको, मैं बोल रहा हूँ ये हमले को रोको। अरे मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मेरे कपड़े। शूटिंग का सामान कहाँ है? अरे मेरा कैमरा, मेरी लाइट, अरे मेरी सीटी, मेरी चड्डी। अरे सर वो कैमरा का वैन भी चोरी हो गया। ए, ये वही रास्ता है ना जो नारायणपुर जाता है? हाँ बॉस, ये वही गांव है जो रेलवे ट्रैक के पास से गुजरता है। सोडा ने बोला मेरे को। हाँ, डॉलर ने ये रास्ता बताता है ना डॉलर। हट, हट, मैंने क्या बताया? हाँ। मेरे को तो ये भी नहीं मालूम कि नारायणपुर किस कद्दू का नाम है। तुम लोगों की एक कान के नीचे बजाएगा मैं। पता नहीं कैसी वानर सेना पाल रखी है मैंने। मैंने बॉस इसने बताया। सोडा ने मेरे को। मैंने तुम लोगों को बोला था ना नारायणपुर किधर, तुम लोग पहले से बताया कि रखो ना। किसको ठोका तूने? मालूम नहीं बॉस। साले किसको ठोका तूने? अरे बचा, किसको मारा? अरे बचा। अबे आवाज तो आ रही है। अरे उधर नहीं, ऊपर ऊपर। भाई साहब हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए भाई साहब। बॉस गांव ले, लगता है आज बहुत पड़ेगी बॉस। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं सारा इल्जाम तुम लोगों के सर पे डाल दूंगा। बॉस तुम भी ना। चलना आगे। ईश्वर तू ठीक तो है ना? हम तो ठीक है नाना जी, बचे हुए हैं। इसकी तरफ से हम सब आपसे माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए। हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करता है पर जानबूझकर नहीं। नादान है ईश्वर, बावला है दिमाग से। हाँ। हाँ। ऐसे इस छोटे से गांव का नाम है धुलिया और मैं हूँ यहाँ का मुखिया। आप कौन? जी मैं इन तीनों का मुखिया। या, या, हाँ, या, या। मेरा नाम है नाना पाटेकर गनपुले। ओ हाँ हाँ, वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम नारायणपुर। यही 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 धुलिया, बहुत नाम सुना था मुंबई में इस गांव के बारे में। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की मर्दानगी, यहाँ की तंदुरुस्ती और यहाँ के रेलवे ट्रैक्स, हमारे काम के लिए इससे बेहतर जगह पूरी दुनिया में नहीं हो सकती, समझे? काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। अटैक। देखा नाना, अब तो हमारे गांव के चर्चे बम्बई जैसे बड़े बड़े शहरों में भी होने लगे। मैं ना कहता था एक दिन हमारा गाँव बहुत मशहूर हो जाएगा। सूबेदार। हाँ नाना, उधर नहीं इधर है। Hey, लाइट्स कैमरा एक्शन। कितनी अच्छी जगह, फर्स्ट शॉट हम यही लेंगे। बॉस कैमरा
ये हुई ना कोई बात, ये छोटी फिल्म नहीं है, बड़ी फिल्म है, जाओ बड़ा कैमरा ले जाओ, हाँ खेतों में रखो, जाओ जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, लाइट 500 बोल रहा है, एक काम करो सूरज को बोलो यहाँ आने के लिए, सूरज फटाफट कैमरा लाओ, कैमरा लाओ, कैमरा यार बड़ा कैमरा, वेरी गुड, एक काम करो कुछ औरतों को बोलो खेतों में लेट जाए फटाफट, लेट जाओ वेरी गुड, औरतें कह रही है यार सर सूरज नहीं मान रहा है, ओहो सूरज नहीं मान रहा है, एक काम करो उसे घूस दो और बोलो इधर आए फटाफट, सूरज सूरज मानी मानी, चार औरतों ने मारा मुझे, ओहो तो तुम लेट जाओ नंगे खेतों में रेडी, अरे कोई मुझे भी तो बताओ कि क्या हो रहा है, बेटा ये क्या कर रहे हो, शूटिंग शूटिंग जानवरों की शूटिंग, चिंकारा ब्लैक बॉक्स, ओहो फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, पिक्चर बना रहा हूँ, सिनेमा समझे सिनेमा, पिक्चर की शूटिंग, अरे गुल्लू सत्तू चाची हमारे गांव में पिक्चर की शूटिंग होने वाली है, सभी लोग आ जाओ, अरे सुनो कहां जा रहे हो, शूटिंग पर जा रहा हूँ, रुको मेरे लिए, अरे सुना नहीं शूटिंग चल रही है, चलो चलो शूटिंग, इंस्पेक्टर धुरिंदर, मैं यहाँ के थाने का अध्यक्ष हूँ, क्या मैं आपके यहाँ शूटिंग करने का क्या 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 बोलते हैं उसको परमिट देख सकता हूँ, क्या बात है, आवाज सुनी सुनी आवाज इंस्पेक्टर साहब की, बॉस बॉस मैं तो कहता हूँ इन्हें वो वाला मेन रोल दे देते, बॉस वो दूध वाले का रोल इसको दे देते, लगता भी है, नहीं दूध वाले का नहीं, दूध वाले का रोल को इंस्पेक्टर का बना देते, क्या 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 ये हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन आप मेरे लिए क्यों अपनी पूरी की पूरी फिल्म की कहानी बदलेंगे, मतलब क्या जरूरत है, मैं कौन डायरेक्टर, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना, लेकिन क्या मैं कर पाऊंगा सर, देखो बेटा धर्मेश, धर्मेश शो बिजनेस में या तो तुम्हारे पास है या फिर नहीं, और धर्मेश क्या मैं तुम्हें धर्मेश बुला सकता, वैसे तो धुरिंदर ठीक है, धर्मेंद्र तुम्हारे अंदर वो बात है, है? अब, क्या क्या बात है, सेक्स फैक्टर, बच्चों की फिल्म है, एक्स फैक्टर, एक्स एक्स फैक्टर, तुम्हारे अंदर एक्स फैक्टर है और मुझे चाहिए, मुझे चाहिए वो, मुझे चाहिए एक्सट्रैक्टर, नहीं मुझे शूटिंग परमिट चाहिए, अरे फिकर नॉट, आप शूटिंग का बंदोबस्त कीजिए, अरे परमीत का तो जुगाड़ में कर ही दूंगा, आवाज सुनी है गले में, सरस्वती है सरस्वती, यार सर आप बंदूक मार दी साली की मैंने, अरे अरे हमें भी रोल चाहिए सर, सर हमें भी रोल चाहिए, अच्छा सुनो 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 ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी फिल्म में सबको एक एक रोल मिलेगा, और शूटिंग एक हफ्ते बाद शुरू होगी, तब तक आप लोग तैयारियां करें, कैसी तैयारियां साहब, हाँ कैसी तैयारियां, गुड क्वेश्चन, आप सबको इन दोनों की तरह सिक्स पैक बनाने होंगे, सिक्स पैक, अच्छा अब हम चलते हैं, अगले हफ्ते मिलते हैं, अच्छा जी अच्छा अच्छा, हट हट हट, अरे मिल गया, अरे मुझे भी तो कोई नीचे उतारो, ओ डायरेक्टर साहब, ओहो आप टेंशन ना लो जी, भाई मेरा हीरो आप ही का तो बच्चा है, चेक भिजवा दो बस, अच्छा और कब जा रहे हो माता रानी के दर्शन के लिए, तेरी माँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आज उसकी जगह मैं हॉलीवुड में होता, मैं अगर तूने मुझे डैनी डॉयल के फोन के बारे में बताया होता, मुझे कैसे पता होता कि डॉयल हॉलीवुड का डैनी है, वो पिंच डैनी डैनी कुछ कर रहा था, मुझे लगा डैनी डैन सब होगा, मैंने भगा दिया उसे, वो कैंटी बच गई सर जी, हाँ सिक्योरिटी कौन है, कोई मनोज जी आया अरे आतिश तुमने किसी मनोज को बुलाया क्या,
पूरा नाम तो पूछो। पूरा नाम क्या बताया? कोई मनोज रामलन हॉलीवुड से। ओ अच्छा, मनोज रामलन हॉलीवुड से। मनोज रामलन फिफ्थ सेंस का डायरेक्टर मुझसे मिलने आए? अंदर तो बुलाओ गधे। अंदर भेज दो भाई। जरूर कोई हॉलीवुड का ऑफर लाया होगा उसने। यस यस यस। आदि जी, लगता है आपका हॉलीवुड का सपना अब साकार होने जा रहा है। गॉड इज ग्रेट। अच्छा हुआ मैं यहाँ था, वरना तुम इस मनोज को भी मनोज बाजपेयी समझकर भगा दिया होता। अब इतने भी नहीं है सर जी। अब अंदर बुलाओ उसे, मैं तैयार हो गया था। हाँ बिल्कुल। Who the hell are you? कौन हो तुम? Myself बंटी बवेजा। कुछ तो वजह होगी। है? तुम्हें तो कहा बंटी बेवजा। बंटी बवेजा। सेक्रेटरी हूँ मैं आतिशी का। ब्लडी सर्वेंट। बदबू आ रहा है, गेट आउट। हे, कहाँ घुस रहे हो तुम? अरे बताओ तो सही, हो कौन तुम? मैं हूँ मनोज रामलन, इंटरनेशनल फिल्म डायरेक्टर फ्रॉम हॉलीवुड। टैचवुड। नहीं नहीं नहीं, तुम मनोज रामलन हो ही नहीं सकते। मैंने उसकी फोटो देखी है, वो तो काला है। He's dark. I know that. Yeah, yeah. देखो बेटा नौकर, जिसकी फोटो तुमने देखी है वो मेरा छोटा भाई है, मनोज नाइट रामलन। और मैं हूँ मनोज डे रामलन। नाइट भाईजान रात के वक्त पैदा हुए थे, इसलिए वो बेचारे काले हैं। और मैं दिन के वक्त पैदा हुआ था, इसलिए मैं गोरे हैं। आतिश, आतिश, कहाँ आतिश? आतिश, बेटा आतिश, बेटा छुपो मत नीचे, आ बेटा बाहर आओ। आतिश, 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 आतिश। बोरा मेरा सुपरस्टार, मेरा ऑस्कर। ऑस्कर? हाँ ऑस्कर। हॉलीवुड में तो मैंने बहुत सारी फिल्में बनाई है, लेकिन इंडिया पे मैं पहली बार फिल्म बनाने वाला हूं। इंडिया की गरीबी और इंडिया का गरीब सुपरस्टार सर जी। परफेक्ट रेसिपी फॉर ऑस्कर। मुझे गरीब मिल गया, अमीर नहीं चाहिए। आमिर साहब, ओ तेरी आइला वो वाला। ओफ ये स्ट्रगलर्स, तुम उसे कह दो, लाओ मैं उसे कह देता हूँ। आमिर बेटा देखो, मैं ये फिल्म सिर्फ खास ऑस्कर के लिए बना रहा हूँ, समझे? मुझे गरीब दिखने वाले एक्टर्स चाहिए, समझे? तुम नहीं चाहिए, बाय। देखो बेचारा कितना गरीब है, देखो कितना गरीब है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये फिल्म सिर्फ आतिश कपूर के साथ ही बनाऊंगा, समझे? अगर तूने दोबारा डायरेक्टर साहब चिल्लाया तो चड्डी उतार दूंगा। नहीं सर, चड्डी नहीं सर। मैं तो देखिए, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि फिल्म की कहानी क्या है। अब इतना पूछ लिया तो क्या गुनाह हो गया सर? ओके ठीक है, आमिर को होल्ड पे रखना। होल्ड प्लीज। लेकिन अगर हमारे बंटी जी को ऑस्कर विनिंग कहानी पसंद नहीं आई, तो आतिश का ऑस्कर हम आमिर साहब को देंगे। नहीं, हमको कोई कहानी नहीं सुननी सर जी, हमको सिर्फ ऑस्कर। कहानी तो मैं सुना के रहूंगा आतिश जी, आई इंसिस्ट डार्लिंग। कहानी एक ऐसे महान इंसान के बारे में है जिसका नाम है 30 मार खां। लेकिन कहानी क्या है जी? 30 मार खां एक क्रांतिकारी है जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत करता है, करोड़ों के हीरे मोती जेवरात की चोरी, एक हैरत अंगेज प्लान, दिल को दहला देने वाला सस्पेंस। क्या क्या है वो पलान? यही तो सस्पेंस है। मुझे कहानी पसंद है, मैं पिक्चर कर रहा हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आमिर को बोलो बैकअप उसका।
सॉरी आमिर पैक अप। पर इनकी फीस का क्या होगा? पैसे पैसे। आतिश अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, तुम्हें ऑस्कर चाहिए या पैसे चाहिए? ऑस्कर दे हो मनोज दे हो दे हो दे हो। शूटिंग शुरू होगी, शूटिंग शुरू होगी अगले हफ्ते दुलिया गांव में। Yes. दुलिया कहाँ है? दुलिया दुलिया कहाँ है? यही तो सस्पेंस है। पहुंच जाएगा तुम्हारे वहां एड्रेस। दे हो दे हो। बॉस इसका बंदोबस्ती हो गया। बड़ा मजा आएगा इस मिशन में बॉस। बॉस कब शुरू होगा ये मिशन? वी स्टार्ट दिस मिशन सून आफ्टर इंटरमिशन। बॉस खानों में खान 30 मार्क। सुनो कल सुबह ठीक 9 बजे ट्रेन यहाँ से गुजरेगी, लेकिन तुम्हें पक्का यकीन है कि वो आज पहुँच जाएगा? हैं? बोलो चुप क्यों? जवाब बताओ। टेक्स्ट बुक से कॉपी करता हुआ स्टूडेंट और 30 मार्क खा के भेजे से निकला हुआ प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। हाँ हाँ चिल्लाओ मत। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ ब्यूटी पार्लर भी नहीं है। हाँ वो सरप्राइज है डार्लिंग, सरप्राइज है, सरप्राइज सरप्राइज। और गर्ल्स प्लीज टेक केयर ऑफ हर, इनका ध्यान रखना ओके? ठीक है। और आपका मेरा ये रखेंगी। हटो ना। माय फेवरेट कलर, कैन आई कॉल यू पिंकी? हैंड इज अप। हटो। डायरेक्टर साहब कैसा लगा मेरा डायलॉग? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये डायलॉग सारी पिक्चर में जा। हैंड्स अप हैंड्स अप, जाओ जाओ। हैंड इज अप। अबे डर पे हो? जाओ जाओ दिसंबर जाओ, गांव वालों को डराओ जाओ। हां ठीक है जो भी है। हैंड इज अप। अरे आतिश कपूर जी आ रहे हैं, वो देखो हेलीकॉप्टर। हम आए बैंड शुरू करा के। अरे इधर आ रहा इधर। अरे भाई बचाओ बचाओ, आतिश कपूर आ गए। आतिश कपूर? हाँ मैं आतिश कपूर के साथ फिल्म बना रहा हूँ। क्या? और उसकी हीरोइन हो तुम। पब्लिक में नहीं, पब्लिक में नहीं। सिर्फ आंखों में धूल गई है, चल नाटक मत कर। समझ गया समझ। अतिथि जी मैंने हॉलीवुड में हर जगह पता कर लिया है, किसी ने भी ये मनोज डे रामलन के बारे में कुछ सुना ही नहीं। मुझे तो सर जी ये एक नंबर का फ्रॉड लगता है। बस बस बस, तूने डैनी डॉयल को डैनी डेंगसोंग पास समझकर भगा दिया था डफर। सॉरी सर जी। ये ऑस्कर टाइप ऐसे ही होते हैं, लुक एट हिम यार, लुक एट हिम। और गांव वाले ट्रैक पे लेट जाएंगे और तैरते हुए नजर आएंगे, समझे? जीनियस। मैं एक काम करूंगा, कैमरा लेके सीधा हैंड इज अप।
अबे पागल है तू? ये देखो जी मेरा एक्स ट्रैक्टर। एक काम कर, मुंह पे एक और एक्स लगा ले, ट्रिपल एक्स हो जाएगा। चल जा। गुड आइडिया सर। गो गो गो। हीरोइनें हमेशा ढकी हुई अच्छी लगती हैं। ये लो। तब्रेज़। क्या है? मुझे आतिशी से कब मिलाओगे? हे हरामी, शूटिंग खत्म हो जाएगी तब। ही सच अ मीनी। चार्ली कम इन, चार्ली, चार्ली, डू यू रीड मी? ओए चार्ली है, चार्ली। चार्ली नहीं है यहाँ पर, जोरी ब्रदर्स है, चलेगा। हेलो बॉस, मैं बोल रहा हूँ, रोमियो। रोमियो बोलो, क्या खबर है? बॉस बहुत बुरी खबर है, ट्रेन माल लेकर आज नहीं आ रही है। ट्रेन दे रही आज क्यों? अरे पुलिस कमिश्नर ने सिक्योरिटी रीजंस के वजह से ट्रेन को डिले कर दिया है। तो फिर कब आएगी? एक हफ्ते बाद। क्या? ओके बॉस, ओवर एंड आउट। कितना ओवर हुआ? कौन आउट हुआ? हेलो 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 हेलो। आज मैच किसका था? एक बुरी खबर है। तुमसे बुरी क्या हो सकती है, बोलो। ट्रेन नहीं आ रही है। क्यों? तो फिर ट्रेन माल लेके अगले हफ्ते आ रही है। तो एक हफ्ते हम लोग क्या करेंगे? अंडे दूंगा यहाँ बैठ के? नहीं, डायरेक्टर हो ना, शूटिंग करो, शूटिंग। शूटिंग इन गधों के साथ? बाय बाय। अबे मैं पागल हो जाऊंगा। सच बच्चों? हाँ बॉस। मैं सामान बांधता हूँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ बॉस, मैं रास्ते के लिए खाना पैक करता हूँ, और मैं तुम तीनों के कान के नीचे बजाता हूँ बॉस। जब तक हम माल नहीं लूटेंगे तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। तब तक क्या करें? मैं डायरेक्टर हूँ। यस। तो हम लोग शूटिंग शूटिंग खेलेंगे बॉस। ये रोमांटिक सीन हो रहा है हरामखोर। चलो रूलिया के 207 कलाकारों का मनोज देव रामलन की फिल्म भारत का खजाना के पहले दिन की शूटिंग पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अब हम शूटिंग शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए आप लोग देखो कि एक्टिंग कैसे की जाती है। उसके लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ हमारे भारत के भयंकर आर्टिस्ट सुपरस्टार आतिश कपूर। ओके ओके ओके, बस बस। और भारत की सुपर हीरोइन आलिया। हमको क्या मालूम नहीं हमको। कैमरा तो शुरू होने दे मेरी माँ। अब हम शूटिंग शुरू करेंगे। साइलेंस साइलेंस। थैंक यू थैंक यू। Camera ready. Ready, yes, sir. Lights ready. Ready, sir. Sound ready. Sound ready. Sound ready. Sound, sound, sound ready. Sound ready. No, 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 no. Clap, please. Acting karega. Acting kar. Action. Nahi. Yo, hey. Karna kya hai? Cut. Stop camera. Hal cut. Camera cut. Lights cut. Hair cut. Sun cut. आतिश, गुड क्वेश्चन आतिश जी, कमाल का सवाल किया हमने। अगले साल आप ऑस्कर लेके रहेंगे। लेकिन मुझे करना क्या है? गुड क्वेश्चन अगेन। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया।
और उसके बाद मैं ऊपर से कैमरा लेके नीचे आऊंगा और फिर वापस ऊपर लेके जाऊंगा और फिर घूमता हुआ और सब जगह घुमा दूंगा। ये टू मच है यार, ये साला लोकेशन ही बदलता रहेगा, क्या शूटिंग भी कराएगा सर जी? और उसके बाद मैं एक ऐसा शॉट लूंगा। डायरेक्टर साहब जी, ये रही बैंक की सारी चाबियां, ये आपकी शूटिंग के काम में आएंगी। आंटी करवे जी, सीन क्या है हमें तो बता। हाँ, बस अब हम बैंक रॉबरी लेंगे आज। रॉबरी सर जी, ये डाकुओं की फिल्म है या क्रांतिकारियों की? सर लेकिन मैं तो क्रांतिकारी हूं ना पिक्चर में। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, आप क्रांतिकारी हैं एंड दिस इज अ ब्लडी ब्रिटिश बैंक। बैंक? कुछ समझा नहीं। देखिए आप क्रांतिकारी हैं, बैंक के अंदर घुस के अंग्रेजों का पैसा लूट के गरीब हिंदुस्तानियों को बांट देते हो। गरीब हिंदुस्तानी, अस्क अस्क अस्क, दे हो दे हो दे हो। मैं इस सीन में क्या कर रही हूँ? हाँ तुम एक अंग्रेजी मैम हो। अंग्रेजी मैम? हाँ। तो ये बैंक क्यों लूटेगी? ये बैंक क्यों लूटेगी? ये बैंक क्यों लूटेगी? क्योंकि इसका बाप हिंदुस्तानी है, he's an Indian। ये और आतिश जी मिलके अंग्रेज सरकार को लूटते हैं। वाओ, मैं और मेकअप लगा के आती हूँ। हाँ, जाओ 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 और थोप के आओ, जल्दी जाओ। अंग्रेज सरकार या तो साला एक अंग्रेज नजर नहीं आ रहा सर जी। आपका सेक्रेटरी भी गुड क्वेश्चन पूछ रहा है। Got it, got him, there he is, my झाड़ू वाला अंग्रेज, my actor, bring him। तेरी लाइन बना देते, चल चल चल। ये रहा आपका अंग्रेज। डे, ये तो गांव वाला है, इंग्लिश कैसे बोलेगा? Good question, very good question। इसके मुंह में च्युइंगम डालो। Yes boss। Chabao, I can talk English. Do you want to listen to my English? Yeah. English. Get him ready now for the shot. Take him fast and action. लेकिन डे मुझे इस सीन में करना क्या है? आतिश आतिश आतिश, ये मत पूछो कि मुझे क्या करना है, ये पूछो कि मैंने क्या किया है अपने देश के लिए। हैं? हाँ, आंखें बंद करो अपनी तुम। क्यों? आतिश मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें मेरी कसम है, आंखें बंद करो। गुड बॉय। और अब सोचो, अंग्रेज सरकार बरसों से हिंदुस्तानियों पर हुकूमत कर रही है, भोले भाले हिंदुस्तानियों पे जुल्म ढा रही है, भारत माँ के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया, यहाँ तक कि औरतों और बच्चों को भी वो लोग सबका गए। आतिश, शायद इसे हिंदी नहीं आती, मैं ट्राई करती हूँ।
You dirty dog! Tell me, where is the gareeb Hindustani's khoon paseene ka money? Batao mujhe! Batao mujhe! Batao! Ut! Jaba! Jaba! Tum gareeb Hindustani paise ka kya karega? Ahinsawadi banduk bhi nahi khareed sakta hai. Khadi pehen ke nanga ghoomta hai. मारो मारो साले अंग्रेजों को. ऐसा लगा मेरा नंगा हाथ तेरे नंगे गालों पर. Very nice. I will go and get the money now. White shot. चालू रख सब कुछ कैमरा चालू रखना. सर मतलब माफ कर. मुझ पे तोप चलाएगा. हिम्मत है तो मेरी छाती पे चलाओ. बॉस ये पागल हो गया है, उसको रोको बॉस. माँ का दूध भी है तो चलाओ. बॉस कट कट फायर. एक बाप की औलाद है तो चलाओ. मैं बस थोड़ा कैरेक्टर में घुस गया. मुझे तो लगा कैमरा में घुस जाएगा. बट व्हाट अ परफॉर्मेंस. ऑस्कर अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस. और मेरा परफॉर्मेंस रोटरी क्लब अवार्ड मिलेगा तुमको. वाओ, मैं अभी स्पीच लेकर आती हूं. जाओ जल्दी जाओ. सर मैं थोड़ा चेंज. हां चेंज कर लो, जाओ ड्राई कर लो अपने आप को. सुन बे ओ, आई लव यू सर जी, आई लव यू. अरे मुंबई से जो माल हमने चुराया था ना, जो लाया था ना बॉस, वो खत्म हो गया. बॉस एक आइडिया बोलो. बिना स्टॉक के शूट करते, इनको क्या मालूम पड़ेगा. ये बैठो. नहीं यार, आतिश और बंटी पिछले 10 साल से फिल्म इंडस्ट्री में. आतिश तो चलो चलो संभाल लेंगे उसको, लेकिन बंटी है ना तुरंत समझ जाएगा. बॉस करे तो क्या करे फिर, शहर से सामान लाना पड़ेगा हमको. हमारे पैसे भी खत्म हो गए अब तो. और 5-6 दिन की शूटिंग करनी है तो 5-6 लाख रुपए तो लग जाएंगे ना. अरे बाप रे. ये क्या बॉस? बैंक की तिजोरी की चाबी जो खुद बैंक के मैनेजर संतराम ने हमें दी है. क्या इरादा है बॉस? नेकी और पूछ. वेल डन. अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो? आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना, बातें अच्छी किया करते. आज शुक्रवार है, अगले 2 दिन बैंक बंद रहेगा. सोमवार को बैंक हॉलिडे है. मंगलवार को हम ट्रेन लूटेंगे, सारा गांव वहां रहेगा. बुधवार से पहले किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने बैंक लूटा है. और हम सारा माल लेकर यहां से निकल जाएंगे और हम आराम कर रहे होंगे. क्या बात है. बस बस बस, ऊपर वाले की कितनी कृपा है ना नाना जी, कि ये फिल्म वाले हमारी धुलिया में आए शूटिंग करने के लिए. अरे वो दिन अब दूर नहीं जब टूरिस्ट लोग हमारे धुलिया आएंगे अपनी छुट्टियां और हनीमून मनाने. और देखते ही देखते हमारा कारोबार जोरों शोरों से चलने लगेगा. सुनो, क्या? लगता है मर गया. ये तेरा भतीजा लगता है क्या मर गया? चल चल अंदर. सलाम. पता है मम्मी, फिल्म का हीरो आतिश कपूर है, पर मेन रोल मेरा है. तुझे पता है मैं आतिश कपूर के बाप की बहुत बड़ी फैन थी. चल मैं भी आती हूँ तेरी शूटिंग पर, आखिर डायरेक्टर की माँ जो हूँ. अच्छा कहाँ चल रही है तेरी शूटिंग? गर्ल्स हम लोग कहाँ है? धूलिया. चल टपकती हूँ वहाँ. बाय. अरे भाई, माय मम्मी इन लॉ. अरे भाई, तुम लोगों में से किसी ने डायरेक्टर साहब को देखा है क्या? हाँ मैंने देखा. वो ना अपने 3 दोस्तों के साथ बैंक की तरफ गए. बैंक? बॉस लगता है इन लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया. अब क्या करेंगे बॉस? ऐसे मौके पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए. क्या? भागो. जंगल की तरफ भागो.
है राम। अरे कोई रोको उन्हें, वो तो बिन खोपड़ी के भूत का जंगल है। अरे उन्हें कोई रोकेगा कि ये काम भी मुझे करना पड़ेगा, चलो। अरे रुको, अरे चाचा जी, अरे वो हमारी जान ले लेंगे। अबे हरामियों रुको, तुमसे तेज भागूंगा सालो, रुकते नहीं हो, नहीं रुकूंगा तुम लोगों के लिए भी। अरे ये और भी घने जंगल में घुसते चले जा रहे हैं, लेकिन ये रुक क्यों नहीं रहे हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप भी चलिए ना साथ। चलो चलो, चलो, चलो। ये क्या हो रहा है, उन्हें अब तक रोका के नहीं? अरे अभी अपने लड़के गए नहीं काला जंगल में? अरे मेरे लिए तो हर जंगल काला। हमें लेकिन वहाँ तो भूत है। भूत है इसलिए तो, इंसान होता तो बहुत खुद ही संभाल लेते। डायरेक्टर साहब हम लोगों के लिए भूत से लड़ने गए, अरे हमें उनका साथ देना चाहिए। ठीक कहता है, ठीक कहता है। उगाते हैं, ये सारे बच्चे हमने हमारे काम करने के लिए तुम्हारे गांव से अगवा किए और बिन खोपड़ी के भूत का डर फैलाया था ताकि तुम गांव वाले इस जंगल की तरफ कभी आ न सको। जी जी जी, लानत है हम पर, हम कुछ नहीं कर सके सुबेदार। आज अगर हमारे डायरेक्टर साहब नहीं होते तो आई,
अरे अरे आपने हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल के इतने बड़े खतरे का सामना किया। हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा शेर दिल इंसान कभी नहीं देखा। हाँ, 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 हाँ। इस एहसान का बदला तो हम कभी नहीं चुका पाएंगे, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं हम। ये क्या? नहीं, संतराम से पता लगा कि आप लोगों को पैसों की जरूरत है, तो हम लोगों से जितना बन पाया हम लोगों ने इकट्ठा किया। करीब 5-6 लाख हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके शूटिंग के काम आ जाएंगे। बैंक खुलते ही हम और पैसों का बंदोबस्त कर देंगे। नहीं, 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 नहीं। इतने से काम चल जाएगा। थैंक यू। आप लोगों ने ये पैसे स्वीकार करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बस फिल्म बनाते रहिएगा, शूटिंग मत रोकिएगा। धन्यवाद। अच्छा जी, अच्छा। चलो भाई, चलो मुखिया जी। चलो। बॉस, हमने इन भले लोगों के साथ बहुत गलत किया। गलत तो किया है, लेकिन सही भी करेंगे। जाने से पहले हम हमारे हिस्से से कुछ माल इन बेचारे भले लोगों को छोड़ जाएंगे, और इनके चुराए हुए पैसे भी। सच क्या बॉस? ट्यूब से निकला हुआ टूथपेस्ट और 30 मार खा की दी हुई जुबान कभी वापस नहीं जाती। खानों में खा, 30 मार खा। ओ शेर का है साला, जिगर मत वाला। शेर का है साला, जिगर मत वाला। ओ जिसने है जादू कर डाला। तेज धार से दौड़ना, नौजवान का क्या कहना। शूरवीर अर्जुन का सर बाला, बड़े दिल वाला। जो खोले हर ताला, बड़े दिल वाला। अमीरों का दीवाला, बड़े दिलदार। दार बार मार डाला, बड़े दिल वाला। ऐसा बल क्या पॉसिबल है, देख ट्रबल में दिल पड़ता। क्या मसल है ये मसल के, दिल फिसल के है मरता। छाते पे है जिसके दिल काला, बड़े दिल वाला। बनूंगी ब्रज बाला, बड़े दिल वाला। हार डालूंगी वरमाला, बड़े दिलदार। चार बार मार डाला, बड़े दिल वाला। मत वाला, हो जिसने है जादू कर डाला। जय जवान क्रांतिकारी, दुश्मनों पे जो है भारी। शूरवीर धरती का रखवाला, बड़े दिल वाला। तिरंगे को संभाला, बड़े दिल वाला। ये हीरो है निराला, बड़े दिलदार। चार बार मार डाला, बड़े दिल वाला। अरे पागल हो गए हो दादा। अरे बुढ़िया ने देख लिया तो समझ जाएगी कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। स्मार्ट बॉय, आगे जाकर भाग। अरे ये बुढ़िया, अरे बीच में आ गई। अरे तुम दोनों को रोल मिल गया। वैसे एक्टर बहुत बुरे हो, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लो पकड़ो, मैं भी शूटिंग पर आती हूँ। एक मिनट, मेरी बैग लेकर आती हूँ। तुम दोनों का नाम क्या है? चटर्जी। मुखर्जी। दोनों की शादी हो गई? नहीं, अभी तो हम दोनों को एक दूसरे से प्यार भी नहीं हुआ है। तो वी जस्ट गुड फ्रेंड्स। कटो, मैं आपस में शादी की बात नहीं कर रही हूँ किसी लड़की से। यहाँ पे होंगी खुशियाँ ढेर सारी, बन के ख्वाबों की सवारी आएगी जो रेलगाड़ी। मेरा साया
साथ साथ हो, डरने की फिर न बात हो, संकट भी तुम दबा के भागा रे भागा। भूतों की जो बारात हो, उनकी लंगोट घात हो, जैसे के रॉबिन हुड का सागा, मेरा ये बोलबाला। बड़े दिल वाला जो खोले हर ताला, अमीरों का दीवाला, बड़े दिलदार चार बार मार डाला, बड़े दिल वाला। I'm feeling freaky freaky, I'm feeling naughty naughty, the way you're looking at me, you got me moving my body. I'm feeling freaky freaky, I'm feeling naughty naughty, the way you're looking at me, you got me moving my body. Cut 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 cut. क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? गांव का गाना ये क्या पहना हुआ है तुमने? ओके, मैं अभी कॉस्ट्यूम चेंज करके आती हूँ। जाओ साउंड वॉल्यूम धड़कन का बढ़ने लगा है, फीवर सा जैसे चढ़ने लगा है, चढ़ने लगा है। फॉर द फर्स्ट टाइम दिल जगने लगा है, खुद की फीलिंग से डरने लगा है, डरने लगा है। फिल्मे का सब ये छपने लगा है कि तू है यूसुफ, मैं हूँ मधुबाला, बड़े दिल वाला। जैसे बोतल का ये जिन हो ऐसे वंडर ये करना, जैसे गरजे आसमा ये वैसे थंडर है करना, ऐसे सुनी पे गिरेगा जैसे हंटर है पड़ता, डायनामाइट का जैसे हो मसाला। ये हीरो है निराला, कमीना है रोमियो, हर बार आधा स्कोर बताता है। और ट्रेन आ रही है, और ट्रेन आ रही है, और ट्रेन, और ट्रेन। बड़े दिल वाला, बड़े दिल वाला, बड़े दिल वाला, अमीरों का दीवाना, बड़े दिलदार चार बार मार डाला, बड़े दिल वाला। ये हीरो है निराला, बड़े दिलदार चार बार मार डाला। आज का सीन ध्यान से सुनिए। सुबेदार इधर देखो। किधर? ट्रेन में बहादुर शाह जफर का खजाना है, जिसे अंग्रेजी रेजिमेंट रानी विक्टोरिया बाई के लिए लेके जाने वाले हैं। देखने में ये रेजिमेंट हम जैसे हिंदुस्तानी लगते हैं, लेकिन इनकी भोली भाली शक्ल पे मत जाना, वो अंग्रेज सरकार के तलवे चाटे वाले कुत्ते हैं। और आप सब लोग क्रांतिकारी हो, जो इस ट्रेन को रोककर उसमें से सारा खजाना लूट लोगे। लो जी सर जी, फिर लूटो, पहले बैंक अब ट्रेन। पिंचो, फिल्म का नाम भारत का खजाना है या चोरी मेरा काम? मां गया। ट्रेन तेजी से दौड़ती हुई आ रही है, तेजी से हराम खोलो। मुखिया जी आप, जी आप अपना डंडा, मेरा मतलब है झंडा लेके आप आतिश के हाथों में दे दोगे, वो भी स्लो मोशन में।
आदेश आदेश बेटा आदेश सरकार तुम झंडा हाथ में लिए पटरियों के बीचों बीच खड़े हो जाओगे वो भी स्लो मोशन में दिखाओ ये हुई ना बात पटरी के बीच किसी को खड़े देखकर हैरान ट्रेन का ड्राइवर सीटी बजाता है शाबाश शाबाश लेकिन तुम दस से मसली होगे कभी नहीं आजादी की ज्वाला तुम्हारे सीने में पड़क रही है और तुम जोर से चिल्लाओगे इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद सुनो ओए मेरे एक इशारे पर तुम सारे गांव वाले भूखे नंगे भेड़ियों की तरह उस ट्रेन पर टूट पड़ना समझे और चुन चुन के उन अंग्रेजों के कपड़े फाड़ देना फिर सारा खजाना छीन कर उस ट्रक में रख देना और मैं क्या करूंगी तुम रजिया सुल्तान हो वाओ वो कौन है वो कौन है बहादुर शाह जफर की बेटी बहादुर शाह जफर की बेटी और ये सारा खजाना तुम्हारे बाप का माल है कमाल है yeah. मैं और रोलर्स लगा के आता हूँ लगा 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 जा जा ये अगर रजिया सुल्तान है तो पिंचो मैं क्या हूँ जा 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 नहीं नहीं शेख चलिए एंड रोल अरे यार ये मरवाएगा क्या है ट्रेन आ गई सर जी ट्रेन यस आज पहली बार तुमने मुझे बिना पूछे कुछ बताया नाना बिना पूछे गॉड आई होप इस ट्रेन से मेरे बाल खराब ना हो जाए दुनिया के ऊपर से कलाकारों जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है तैयार हो जाइए ओवर एक्टिंग की शूटिंग के लिए बॉस तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ट्रेन यहाँ रुकेगी और बॉस उसमें जो पुलिस वाले वहाँ पर गोली नहीं चलाएंगे ना दस मिनट में तुम लोगों को पता चल जाएगा और मुझे भी बॉस मैं इस फिल्म में हूँ भी कि नहीं हूँ अरे यार बेटा डांबर तुम्हारे बिना तो ये सीन करना बल्कि नामुमकिन है तुम्हारे बगैर तो ये फिल्म ऐसे है जैसे शोले बिना सांबा जैसे टाइटैनिक बिना छेद तेरा नाम तो दुनिया याद रखेगी डिसूजा सर आप जरूर याद रखेगा धुरिंदर धुरिंदर नहीं याद रखूंगा दादर आतिश आतिश बक्से भारी होंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद उसे अपने हाथों से उठाकर ट्रक में भरो क्या तुम कर पाओगे सर जी वैसे भी अपना स्टंट्स खुद करता हूँ गुड लक बक्से तुम खुद उठाओगे तो तुम्हारी टूटी हुई पीठ का क्या होगा अभी तो सेट कराइए सर जी बांटी जी आज बक्सा उठाऊंगा कल ऑस्कर उठाऊंगा लोग ट्रैक पे भाग रहे हैं बेवकूफ चाहते क्या है क्या करे सीटी बजाओ जब अरे इडियट ट्रेन की सीटी बजाओ बजाओ बस ओए क्या करे रोके के चला दे अरे 200 लोग हैं 200 उम्र कैद हो जाएंगे हमको मिल गया लाइफ टाइम अवार्ड
सुपरस्टार आतिश कपूर है। सर ऑटोग्राफ लेते हैं ना। जगताप नीचे उतरो। ए सर बदमाश, नमक भारत माँ की खाते हो और तलने अंग्रेजों की चाटते साले। यू डर्टी डॉग, कहाँ है मेरे बाप का माल? मैडम मुझे नहीं पता आपका बाप कौन है। अबे ये क्या अपनी शूटिंग की नकली घंसर ठाए ठाए कर रहा है? ये देख मेरी असली घंट। मारो सर को। अरे तू तो अपनी शूटिंग देखने कभी बुलाता नहीं है, तो मुझे मेरी होने वाली बहू ने बुलाया है। इसकी माँ की, उसकी माँ भी आई है। बहुत भारी है ना, मैं हेल्प करती हूँ। तू जा, ए, इसको लेके जा बुढ़िया को। मम्मी, अरे मैं कैसे लग रही हूँ? मेरी बच्ची कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल सायरा बानो लग रही है ना। दुलिया मौसियों, गाना गाओ मेरे साथ। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मैं कमिश्नर को फोन करता हूँ। ओहो, मेरा पुराना फ्रेंड। बोलो चटर्जी। हेलो सर। हमें 30 बार का मिल गया सर। वो यहाँ धूलिया में है सर। बेवकूफो, वो भारत का खजाना है। 30 बार का भारत का खजाना चुराने आया है और मैं उसी ट्रेन में हूँ। वैसे तुम लोग कहाँ हो? हम सर, हम यहीं कहीं नजदीक में हैं। सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं सर। शाबाश। क्या 30 मार खा नजदीक है तुम्हारे? क्या वो फोन पे बात कर रहा है? एग्जैक्टली सर, वो फोन पर बात कर रहा है सर। अटैक हिम। नो सर, नो सर, आई सेड अटैक हिम। ओके सर, अटैक हिम। साले के पास बंदूक है? तुम्हारे पास बंदूक है? हाँ, द लेडीज पीस सर, स्मिथ एंड वेसन। एक्सीलेंट, अब उसमें से सारी गोलियां निकाल दो। अब सा सारी गोलियां निकाल दो। अरे लेकिन मैं गोलियां क्यों निकाल दूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अगर तुम्हारे समझ में आ जाता तो तुम मेरी तरह कमिश्नर नहीं बन जाते। मुझे 30 बार खा जिंदा चाहिए, समझे? जैसा बोलता वैसा करो। गोलियां फेंक दो एंड अरेस्ट 30 बार खा। ओके सर, निकल।
Hands off! Sir, हमने 30 मार्को को अरेस्ट कर लिया, सर! खाओ मेरी कसम! तुम्हारी कसम! अरे, सरप्राइज! गिलुटती इज्जत बचाना और 30 मार्का को कैद करना, दोनों बेकार है! बुढ़िया गाड़ी में बैठ, गांव वालों गाते रहो, चलो और मैंने कैमरा रख दिया है, मुस्कुराओ, गाओ, आतिश बाबू गाओ, गाओ। हाँ, वो ऑस्कर का सूट सिलवाने गए। मुझे भी गाउन सिलवाना था। तब्रेज, मुझे शूटिंग देखनी है। हाँ, मैं दिखाता हूँ। हाँ, दिखाता हूँ। तू इसको काम कर, इन दोनों को लेके जा मुंबई। अरे माँ, तू चल यार, तू अपना मसाला अंदर कर, टांगे वांगे अंदर कर, जल्दी कर, जल्दी जल्दी लेके जा इनको मुंबई, लेके जा। अगला शॉट कब है? हाँ, अगले साल है, चल। ट्रक की चाबी दे जल्दी। क्यों, सारा माल क्या बैंक में डिपॉजिट करना है? नहीं, मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं कुछ माल गांव वालों के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। बड़े दिल वाला। अरे वाह, दीताली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इजाजत नहीं मांग रहा हूँ, समझे ना, अपना फैसला सुना रहा हूँ। और वैसे भी हम हमारे हिस्से से दे रहे हैं, तुम लोगों कोई लेना देना नहीं है। चल चल, चाबी निकाल अब जेब से, चल बे। इंस्पेक्टर होके क्रिमिनल की मदद करता है? मैं हूं कमिश्नर खड़क सिंह। तुम सब ने भारत का खजाना लूटने में जिसकी मदद की है, वो है वांटेड क्रिमिनल 30 मार खां। क्या? ये कैसे हो गया सर जी, मेरे तो समझ में नहीं आई, पेन तो पता ही नहीं चला। 30 मार खां। चल्दी चल। सुन, हम दोनों इसको बैंक में रख देते, टू वो टू इन वन का ध्यान रखना। ओके बॉस, जल्दी जा। बॉस, लगता मर गया, एक बार चेक कर लूं। तेरे खालू लगते हैं वो। नहीं बॉस। हेलो, 30 मार खां, एक और बक्सा चाहिए, अभी भेजते हैं। ए, बॉस ने एक और बक्सा मंगाया। ओके ओके। जोड़ी भाग गई। तुमने सालों को जाने क्यों दिया? उसने बोला कि आपने बोला। मैंने कब बोला उसको? हैंड इज अप। अरे यार छोड़ना। हैंड इज अप इस मार खां। अब बोल। ये बेचारा अभी भी कैरेक्टर में है, शूटिंग खत्म हो गई। खेल तो तुम्हारा खत्म हो चुका है 30 मार खां। देखो, तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम एक अच्छे एक्टर हो। मुंबई में आओ, यश चोपड़ा से मिलाएंगे, हमारे खालू हैं वो। शूटिंग वोटिंग बहुत हो गई, चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दो। धरिंदर। धरिंदर नहीं, थोरिंदर, इंस्पेक्टर थोरिंदर। तुम एक मुजरिम हो और मैं एक पुलिस ऑफिसर। इज्जत से नाम लो मेरा। हैंड इज अप। यू आर अंडर अरेस्ट 30 मार खां। 30 मार खां, यू आर अंडर अरेस्ट। तुझे तो मैं मुंबई में देख लूंगा दुर्योधन। ऑर्डर ऑर्डर, आरोपी को पेश किया जाए।
ये सारे के सारे आरोपी हैं? जी हाँ मिलॉर्ड, सारा गांव मुजरिमों से भरा हुआ है। अरे ऐसे कैसे आरोपी हैं? ऑर्डर ऑर्डर, शांति। सब एक एक करके बोलिए भाई। सारे गांव ने मिलकर डकैती की है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मिलॉर्ड शांति, चुप करो। तुम कौन हो भाई? इंटरनेशनल फिल्म डायरेक्टर मनोज डे रामलन। मैंने अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए नकली खजाना मंगाया था, लेकिन सर किसी कमीने ने असली खजाना भेज दिया और मुझे पूरा शक है स्टीवन पर। स्टीवन स्पिलबर्ग झूठ बोलता है ये मिलॉर्ड। सबसे पहली बात तो ये है कि ये खुद एक वांटेड क्रिमिनल है, और दूसरी बात ये है कि ये 11 मरतबा जेल जा चुका है और 25 मरतबा जेल से फरार हुआ है। How dare you? I'll sue you for defamation. अरे पहले ये केस तो खत्म कर ले। Sorry sir. इसकी असलियत साबित करने के लिए मैं पेश करना चाहता हूँ अपने दो गवाह, स्पेशल ऑफिसर्स चटर्जी और मुखर्जी। गो अहेड योर ऑनर। हमने इसे पर्सनली गिरफ्तार किया था पेरिस से, लेकिन ये हम दोनों को चकमा देके चला गया। Yes, your honor. यही है इंटरनेशनल क्रिमिनल तबरेज मिर्जा खान उर्फ तीस मार खान। नहीं ठहर जाइए जज साहब, ठहर जाइए। ये मुजरिम नहीं, ये तो भगवान का अवतार है। डायरेक्टर साहब ने खजाने का ये हिस्सा बैंक में हमारे लिए छोड़ दिया था, हम गांव वासियों के लिए। पता है जज साहब, इन्हीं की वजह से मुझे मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिला। ये मुजरिम नहीं हो सकते। हाँ, नहीं हो सकते। जज साहब, ये 30 मार कहाँ है तो उससे हमें क्या है? लेकिन हमेशा इन्होंने हमारे गांव का भला चाहा। हाँ, हमेशा भला चाहा। मेरा बेटा भले ही क्रिमिनल है पर दिल का बड़ा अच्छा है और क्यूट भी। शान शान जज साहब, अगर ये मुजरिम होते तो गांव वालों के लिए खजाना थोड़े ना छोड़ते। और क्या, और क्या? और क्या? अस्कर का झूठा सपना दिखा कर ही सही। आज इन्हीं की वजह से मेरा अंदर छुपा कलाकार जागा है। जज साहब, अगर ये मुजरिम है तो मैं भी मुजरिम हूँ। मुझे भी सजा दो, हमें भी सजा दो, मुझे भी सजा दो, मुझे भी सजा दो। देखा मैं लॉर्ड, ये सब मुजरिम है, दीजिए सजा इन्हें। देता हूँ, बराबर देता हूँ। अरे चुप करो तुम लोग, अरे मुझे तो बोलने दो। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत 30 मार खा और दुनिया के सारे वासियों को मुजरिम करार ठहराती है। कल एक मिनट जज साहब, अब क्या है? ये सारे लोग बेगुनाह हैं, गुनहगार सिर्फ मैं हूं, बल्कि मैंने इन भले लोगों के साथ विश्वासघात करके इन्हें गुमराह किया है। ये लोग तो जानते भी नहीं थे कि चोरी हो रही है, इसलिए जज साहब मैं दरख्वास्त करूंगा कि सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, सजा तुझे ही मिलेगी। ये अदालत तुझे 7 साल के लिए सजा फरमाती है, जाओ। अरे 7 साल तो यूं ही जल्दी में गुजर जाएंगे। अबे 7 नहीं, 60 केस डिसमिस। अरे 7 नहीं, 60 साल, 60 मारो इस काले कोट को। मार मार ले बेफानी। बॉस, हमें भी ले चलो बॉस। नहीं, मैं तुम लोगों को अपने साथ जेल में नहीं लेके जा सकता हूँ। तुम लोगों को बाहर रहकर मेरा अधूरा काम पूरा करना है, मेरा सपना पूरा करना है। बस क्या बॉस, अब आपकी आनिया के साथ। हरामी साला। बॉस, अब बचा ही क्या है, सब कुछ तो चला गया, खजाना भी। एक चीज बाकी है। माँ? नहीं, सिनेमा। सिनेमा? हाँ, भूल गए हमारी अधूरी फिल्म भारत का खजाना। हाँ, हाँ, हाँ। सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वो फिल्म खत्म करके रिलीज करो, और जितना भी मुनाफा हो वो सब गांव वालों में बांट देना। बॉस, और आप की लुटती
आपकी लुटती हुई इज्जत बचाना और 30 मार खां को कैद करना दोनों बेकार है। दोनों बेकार है। अच्छा भाई वर्ल्ड प्रीमियर पे मिलता हूँ। अरे प्रीमियर पे मिलता हूँ। पहली बार एक डायरेक्टर अपनी फिल्म की प्रीमियर के लिए सीधा जेल से आ रहे हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल 30 मार खा की बात हो रही है। आज आपको स्पेशल परमिशन मिली है अपनी फिल्म की प्रीमियर पे आने के लिए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज दो चीज रिलीज होने वाली है। दो चीजें? जी हाँ, एक मेरी फिल्म और दूसरा मैं। मतलब ये कि उगता हुआ सूरज और भागता हुआ 30 मार खा दोनों कभी किसी के हाथ नहीं आते। याद रखना, भाग जाऊंगा। गाड़ी पहन के नंगा घूमता है मेरा नंगा नंगे कालो। गरीब हिंदुस्तानियों के खून पसीने के पैसे बताओ। मैं ट्राई करती हूँ। मेरे देश की धरती फिल्म है। मुबारक हो आपको भी। अरे नजर न लगे मेरी बच्ची को। वाओ, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट। क्या फिल्म है ये, तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। ऑस्कर क्या होता है? कहाँ इस फिल्म के डायरेक्टर, मुझे उनके पैर छूने हैं। अरे मुझे क्यों भाग गया यार? अरे ये फिर से भाग गया। अरे मेरी नहीं। अरे सर, अरे सर, अरे सर जी, जी पैसा ये पैसा।
ऐसे शातिर मुजरिम 30 बार खा 26वीं बार पुलिस की हिरासत से फरार और इस बार अपनी ही फिल्म की प्रीमियर से। मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का एक मौका दे सकता हूँ, अगर तुम लोग मेरा हिस्सा मुझे वापस लौटा दो तो। हिस्सा अभी देते हैं। ये क्या बेवकूफी है? सरप्राइज। अब जॉइंट अकाउंट हमने ये सोचा है कि हम तुम्हारा पैसा और प्लेन दोनों पे कब्जा कर रहे हैं, है ना कैप्टन? यस बॉस। प्लेन संभाल। लकीली एक पैराशूट मिला है मुझे, इसे पहनो और तुम दोनों कूद जाओ, जाओ जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। ही इज जोकिंग। ओके, गो 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 गो, बाय बाय। कुत्ते के मुंह से हड्डी और 30 बार खा की नोटों की गड्डी, दोनों छीनना बेकार है, इम्पॉसिबल। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज द बेस्ट एक्टर्स अवार्ड। Ladies and gentlemen, to present the award, we have the sensation from Hollywood, Anil Kapoor. Anil Kapoor, Anil Kapoor. And the award goes to my friend from India, Akshay Kapoor. Yes, you. Come on. Come on, India. Come on. Wheat hair removal cream, a khoobsurat ehsaas. पब्लिक भी अपनी दीवानी हो, तू भी दुनिया में अपना चले चप्पू, किसी भी बाजी में हमको मिले पपलू। हम तो ख्वाहिश करेंगे, हम गुजारिश करेंगे, हम तो मांगेंगे कि दिन जाएंगे सारी ये दुनिया हो, सबका भला हो, सबका सही हो, अपना भी लेकिन सबसे सही। सही हो, हमसे ना ऊपर।
I know you want it, but you're never gonna get it. Tere haath kabhi na aane. Mane na mane koi duniya, ye saari mere ishq ki hai deewani. Hey you, I know you want it, but you're never gonna get it. Tere haath kabhi na aane. Mane na mane koi duniya, ye saari mere ishq ki hai deewani. Ab dil karta hai hale hale se, main to khud ko gale lagaun. Kisi aur ki mujhe pas zarurat kya, main to khud se hi pyar jataun. What's my name? What's my name? What's my name? My name is Sheila. Sheila ki Japani. I'm too sexy for you. Main tere haath na. Like, drive you crazy 'cause my name is, ain't nobody got a body like.